दोस्तों देश में नेता मंत्री विधायक की अगर हम बात करें तो कुर्सी से ऐसे चिपके हुए होते हैं जैसे मानो कोई फेविकॉल से लकड़ी चिपका हो। आप सब देखते हैं कि किस तरह से फेविकॉल से लकड़ी चिपका हुआ होता है जो कि एक दूसरे को छोड़ने का नाम नहीं लेता है। और उसी प्रकार आज हमारे देश में नेता की अगर हम बात करें, विधायक की बात करें, बड़े बड़े मंत्रियों की बात करें, उसी प्रकार कुर्सी से चिपका होता है और छोड़ने का नाम नहीं लेता है। और जबकि उनको पता होना चाहिए कि उनको जो कुर्सी पर बैठाया गया है, देश की जनता ने उनको कुर्सी पर बैठाया गया ताकि उनके लिए वो काम करे, उनको न्याय दिला सके, उनको सम्मान दिला सके, उनको इज्जत दिला सके, उनकी सहायता कर सके, उनको मदद दिला सके। इन सब चीज़ों के लिए कहीं ना कहीं जनता अपने नेताओं को कुर्सी पर बिठाता है। लेकिन वो नेता क्या होता है कि जीतने के बाद भूल जाता है। आप सबको पता होगा कि हाल ही में 2023 में बालासोर में, उड़ीसा के बालासोर में कितना बड़ा ट्रेन हादसा हुआ था जिसमें कि तकरीबन सैकड़ों लोगों की जान गई थी। आप सब ये भी जानते हैं कि उन ट्रेन हादसे में कई सारे ऐसे परिवार थे जो अपने परिवार से बिछड़ गए। कोई अपना बेटा से बिछड़ गया, कोई अपने पति से बिछड़ गया, कोई अपनी पत्नी से बिछड़ गया, कोई अपने माँ से बिछड़ गया, कोई अपने पिता से बिछड़ गया। इस तरह का हादसा आपको देखने के लिए मिला था। और उस घटना से लोग उभरा भी नहीं था, उस घटना से लोग बाहर भी नहीं निकला था कि 2024 में फिर एक बार बड़ा ट्रेन हादसे की अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल में हुआ है। और आप सबको पता है कि वो घटना आज की घटना है जिसमें बताया जाता है कि पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग जा रही जो एक कंचनजंघा एक्सप्रेस है वो मालगाड़ी से टकरा गया। और बताया जाता है कि मालगाड़ी उनके ऊपर चढ़ गया और पीछे से 3 जो उसका बोगी था कंचनजंघा का बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। और उसमें ये भी बताया जाता है कि कई सारे लोग उसमें मरे हैं और कई सारे लोग घायल भी। हालांकि आंकड़े की अगर हम बात करें कोई स्पष्ट ऐसा आंकड़ा निकल कर नहीं आया कितने लोगों की वहां पर जाने गई हैं और कितना लोग घायल है, लेकिन खबरों में बताया जा रहा है, कोई बता रहा है 5 लोग मरे हैं, कोई बता रहा 8 बता रहा, कोई बता रहा 15 बता रहा, कोई बता रहा है कि 10 लोग मरे हैं, बाकी 10, 15, 20 ऐसे ऐसे करके 100, 200 के लोगों के बारे में बताया जाता है घायल हैं। अब क्या वहां की वास्तविक सच्चाई है मुझे नहीं पता, लेकिन खबरों में चल रहा है। तो मैं उन नेताओं से पूछना चाहता हूं, उन मंत्रियों से पूछना चाहता हूं, आप लोग एक बात बताइए कि आप लोग अपना कुर्सी को छोड़ने का नाम क्यों नहीं लेते हैं? बताइए, क्या आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? अश्विनी वैष्णव जी का को नैतिकता के आधार पर अब तक उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। किस आधार पर वो कुर्सी पर बैठा हुआ है? कहाँ गया उनका जो सुरक्षा कवच जो ट्रेन के लिए स्पेशली बनाया गया था जब बालासोर में ट्रेन हादसा हुआ था उड़ीसा में? आप सबको याद होगा कि वही अश्विनी वैष्णव जी हैं जो कि दिखा रहे थे कि ट्रेन को कैसे कवच से बचाया जा सकता है। हम लोग को उतना पता नहीं है, लेकिन कुछ स्प्रिंग टाइप का दिखा रहे थे और बता रहे थे कि ये ट्रेन को एक दूसरे से भिड़ने से रोकेगा, नहीं टकराएगा। और आज मैं पूछना चाहता हूँ अश्विनी वैष्णव जी से कि वो आपका सुरक्षा कवच, रेलवे कवच कहाँ है? क्यों आज काम नहीं आया? और किस हिसाब से आप कुर्सी पर अभी तक बैठे हैं? कौन जिम्मेदार होगा आज जो सैकड़ों लोगों की जान चली गई, सैकड़ों लोग आपको पश्चिम बंगाल में घायल हैं, कई सारे लोगों की मौत की खबर आ रही है, इसका जिम्मेदार कौन होगा? पिछले 2023 में कई सारा ऐसा घटना देखने को मिला, उसके बावजूद भी आप कुर्सी पर बैठे हैं, तो किस हिसाब से बैठे हैं? क्या आपको शर्म नहीं आ रही है? आप अभी लगे हुए वंदे भारत एक्सप्रेस की बात करें, उसको चमकाने में लगे हुए, उसकी आप चर्चा करें, उसके बारे में आप बात कर रहे हैं, उसको एकदम आधुनिक तरीके से बनाने में लगे हुए, लेकिन अगर हम बात करें रेलवे की, अब और सिर्फ जो ट्रेनें हैं और सब गाड़ियों की बात करें और सब यात्रियों की बात करें, क्या उसके बारे में रत्ती भी आपको चिंता नहीं है कि किस स्थिति में आज जो इतनी सारी हादसाएँ हो रही है इसका जिम्मेदार कौन है? आपको जवाब देना होगा। और तत्काल पूरे देशवासियों की ये आप मांग है कि आपको तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए इस घटना को देखने के बाद। किस आधार पर आप टिके हुए हैं और आप चमकाने में लगे हुए हैं नए नए प्रोजेक्ट पर, वंदे भारत एक्सप्रेस को चमका रहे हैं, लेकिन ये सारी जो गाड़ियां हैं चल रही है ये किस आधार पर चल रही है, कैसे चल रही है, क्या होगा नहीं होगा, इसका कोई जिम्मेदारी आपके पास नहीं है। बाकी इस घटना को देखने के बाद मैं अगर बात करूं तो काफ़ी चिंतित हूं, मुझे पता चला तो काफ़ी दुख महसूस हुआ। इस दुख की घड़ी में हम उन तमाम लोगों के, उन तमाम परिवार वालों के साथ हैं। साथ ही साथ हम सरकार से आग्रह करते हैं जो पीड़ित परिवार है उसको उचित मुआवजा मिले। साथ ही साथ ये भी हम आग्रह करते हैं इस मामले की उचित जांच हो, जो भी इसका दोषी होगा, जो भी जिम्मेदार हो उनके ऊपर कार्रवाई हो सके।